तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ सोयाबीन मंचूरियन की रेसिपी। बनाना इसको बहुत ही इजी है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है एक कढ़ाई में पानी, उसमें डाला है थोड़ा सा नमक और ऑयल, और ये जो नगेट्स हैं उनको हम इसमें डाल देंगे। और इसे हमें 5 से 10 मिनट के लिए इसे पकाना है ताकि ये अच्छे से पक जाए। ये देखिए बॉईल आ चुका है, और ये 5 से 10 मिनट के लिए मैंने इसे पका के रख दिया है। फिर इसे हम एक छन्नी में छान लेंगे और इसका सारा पानी निकाल देना है हमें स्क्वीज़ करके, और फिर से एक बोल में ट्रांसफ़र कर देना है। फिर इसमें जाएगा सारे नगेट्स को हम इसमें डाल देंगे बोल में। फिर इसमें जाएगा कर्ड, फिर हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप पेस्ट ऐड कर सकते हो, मैं यहाँ पे ग्रेटेड जिंजर गार्लिक मैंने ऐड किया है। फिर इसमें नमक, रेड चिल्ली पाउडर और थोड़ा सा फूड कलर, बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो डालो, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हो, इससे थोड़ा कलर अच्छा आ जाता है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए, और उसके बाद हमें ये इसको फ्राई करना है। तो मैंने लिया है यहाँ पे कढ़ाई, उसमें ऑयल डाला है, ऑयल हीट हो जाए तो हम नगेट्स को इसमें अच्छे से एकदम तेज़ आंच पे हो तभी हमें नगेट्स डालना है, ऑयल एकदम हीट हो जाए तब डालना है ताकि ये चिपके ना आपस में। ये देखिए इसको फ्राई करके हम निकाल लेंगे, एक टिश्यू पेपर पे, आप न्यूज़पेपर किसी पे भी निकालो जिससे सारे ज़रा ऑयल इसका एब्जॉर्ब हो जाए। फिर सेम कढ़ाई मैंने ली है, इसमें थोड़ा सा तेल डाला है, फिर डालेंगे ग्रेटेड जिंजर गार्लिक, ग्रीन चिली, इसको मिक्स करना है। फिर इसमें हम ऐड करेंगे अनियन, अनियन को मैंने ऐसे क्यूब्स में कट किया है, और ये शिमला मिर्च, इसको भी ऐसे क्यूब्स में हमें कट करना है, और थोड़ा सा मैं यहाँ पर अदरक और ऐड कर रही हूँ ग्रेटेड, थोड़ा सा ग्रीन चिली, इसको मिक्स करेंगे। इसको ज़्यादा नहीं पकाना, 2 से 3 मिनट पकाना है। फिर इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस, टोमेटो सॉस, फूड कलर, थोड़ा सा सॉल्ट, इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैं मंचूरियन मसाला यूज़ कर रही हूँ, आप उसकी जगह पे कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हो, थोड़ा सा इससे टेस्ट अच्छा आ जाता है, डिफरेंट सा। अगर आपके पास मसाला नहीं है तो आप इसमें सिर्फ कॉर्नफ्लावर भी डालोगे तब भी टेस्ट अच्छा आएगा। फिर इसमें ऐड करेंगे पानी, मिक्स करना है अच्छे से। थोड़ा सा मैं यहाँ पे मसाले को और ऐड करूँगी, ये आपको बहुत ही इजीली मार्केट में मिल जाएगा। पानी और ऐड करेंगे हम इसमें, क्योंकि अभी ये जो इसकी ग्रेवी है और भी थिक होती जाएगी, इसलिए हमें इसमें पानी ऐड करना है, और इसको हम तेज़ आंच पे पकाएंगे 2 से 3 मिनट बस बॉईल आने तक। और अब ये देखिए बॉईल आ गया, तो हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने फ्राई करके नगेट्स रखे हैं उसे ऐड कर देना है। बस ये हमारी रेसिपी बनकर रेडी है, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है पर बहुत ही हेल्दी और टेस्टी भी है। सोयाबीन मंचूरियन अगर आपने ट्राई किया है तो कमेंट करना, और अगर नहीं ट्राई किया है तो इसको एक बार ज़रूर बनाना। इसको आप फ्राइड राइस के साथ सर्व कर सकते हो, या नूडल्स के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हो, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। ज़रूर से ट्राई करना, कैसी लगी कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।